नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने आईएसआई डीजी जनरल रिजवान अख्तर को पद से हटाया। लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार को मिली कमान। कराची के कोर कमांडर रह चुके हैं मुख्तार। मिस्र की राजधानी काहिरा में कॉप्टिक चर्च में धमाका, 25 लोगों की मौत और 49 से ज्यादा जख्मी। किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। इराक की राजधानी बगदाद के फलूजा शहर में 2 कार बम धमाके, 8 लोगों की मौत, कई जख्मी। आतंकी संगठन आईसिस ने ली हमले की जिम्मेदारी। पीओके के मुजफ्फराबाद में स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पीओके नेता सरदार रईस ने पाक सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, एलओसी पार करने वाले आतंकी को पाकिस्तान सरकार मुहैया कराती है 1 करोड़ रुपए और हथियार। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस आज लेंगे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद की शपथ। यूएन महासभा के अध्यक्ष पीटर थॉम्सन 193 सदस्यों वाली महासभा में गुटेरेस को दिलाएंगे शपथ। और सेंट्रल ईस्ट पैसिफिक राइज में महसूस किए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर 5.7 भूकंप की रही तीव्रता। 10 किलोमीटर की गहराई में दक्षिणी अक्षांश में रहा भूकंप का केंद्र। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।